नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग तो दोस्तों तारीख है 17 जून 2024 और यहां पे 18 जून 2024 के लिए तीन स्टॉक्स के लिए सेलेक्ट कर लिया थ्री स्टार सेक्शन में उन तीनों ही स्टॉक सेलेक्शन का रीजन बाइंग और सेलिंग लेवल सब मैं आपको साथ शेयर करूंगा अगर आप मेरे इस लेवल पर या स्टॉक्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मसला कर ले क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी तो चलिए शुरुआत करता हूँ तीन स्टॉक लेकिन बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मेरे टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग और साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप तीनों पे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए तो चलिए सबसे पहला स्टॉक है सिपला देखिए इंट्री लेना बड़ी बात नहीं है स्टॉक ढूंढना बड़ी बात नहीं है रीजन ढूंढ लीजिए रीजन क्या है ये सिपला का आप पंद्रह मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं ठीक है सिलेक्शन रीजन समझिए एक रेंज है बड़ा हाई जोन और ये लोअर जोन है ना इस हाई और लोअर जोन में ये एक क्या पैटर्न बना रहा है वेज पैटर्न बना रहा है ये जो है वेज बना लिया अब इसमें क्या है कि इसके पास ना धीरे धीरे देखिए ये ऊपर के जोन रेजिस्टेंस लेता है नीचे का जोन सपोर्ट लेता लेता है है फिर ऊपर रेजिस्टेंस नीचे आके यहाँ सपोर्ट लेता है फिर ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है तो क्या हो गया नीचे आके सपोर्ट लेगा कंडीशन नंबर एक और फिर यहाँ से बाउंस कर जाएगा कंडीशन नंबर दो हो सकता है ये यहीं से ऊपर भाग जाए कंडीशन नंबर तीन हो सकता है इस सपोर्ट को ब्रेक करके गिर जाए तो ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, है ना तो इसी को ध्यान में रख के इसको सेलेक्ट किया गया है दोस्तों सिप्ला को तो सिप्ला अगर पंद्रह सो रुपए के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को बन सकता है बाय वो पंद्रह सो साठ रुपए का वन फाइव सिक्स जीरो का होगा और जो टारगेट होगा पहला वो पं, पंद्रह सो छिहत्तर रुपये का होगा वन फाइव सेवन सिक्स का पंद्रह सो छिहत्तर का पहला हो जाएगा टारगेट टारगेट दूसरा टारगेट हो जाएगा पंद्रह रुपए का और तीसरा टारगेट हो जाएगा पंद्रह बे रुपए का ये आपके लिए बाई साइड का लेवल होगा अगर सिपला ऊपर पंद्रह को ब्रेक करता है तब लेकिन अगर ये सिपला नीचे ब्रेक कर देता है तब हम लोग सेल करेंगे और सेल का जो लेवल होगा वो पंद्रह के बिलो होगा वन फाइव फाइव नाइन सेल बिलो वन फाइव फाइव नाइन स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे वो पंद्रह रुपए का लेके चलेंगे वन फाइव सिक्स सेवन का और जो टारगेट होगा पहला वो पंद्रह सो इक्कावन वन डबल फाइव वन का दूसरा टारगेट हो जाएगा इसके कंडीशन में पंद्रह सो तैतालीस वन फाइव फोर थ्री का और तीसरा टारगेट होगा पंद्रह सो पैंतीस वन फाइव थ्री फाइव का शुरू के पांच मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करके चल सकते हैं तो ये है आप लिए पहला स्टॉक सिपला सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने में लेकर आ रहा हूँ टेक महिंद्रा आईटी सेक्टर पहला फार्मा सेक्टर हुआ दूसरा आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में देखिए टेक महिंद्रा ने जबरदस्त पैटर्न बनाया ये बॉक्स पैटर्न है ये क्या है ये बॉक्स पैटर्न तो बॉक्स पैटर्न के वजह से स्टॉक का सिलेक्शन हो गया बॉक्स पैटर्न में क्या होता है रूल ऊपर निकला तो बाय साइड नीचे डाउन किया तो सेल साइड तो मान लेते हैं कि ये पहले ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट करता है सिलेक्शन रीजन समझ गया ना बॉक्स पैटर्न की तरह पूरा एक कैंडल छोड़ दिए पूरा दिन भर ये बॉक्स में फंस गया ना ऊपर जा पाया ना नीचे तो जब जिधर जाएगा उधर ट्रेड होगा तो अगर मान लेते हैं ये ऊपर बाय साइड में तेरह सौ अस्सी के बायो वन थ्री एट जीरो जो स्टॉप लॉस होगा वो तेरह सो तेहत्तर थ्री सेवन थ्री का टारगेट हो जाएगा तेरह सो सतासी वन थ्री एट सेवन दूसरा टारगेट होगा तेरह सो चौरानवे वन थ्री नाइन फोर और तीसरा टारगेट होगा 1401 रुपए 1401 का लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे सेल का लेवल होगा 1368 रुपए नीचे सेल भी लोगन थी 68 जो स्टॉप लॉस होगा वो 1375 1375 का और जो टारगेट हो जाएगा इस कंडीशन में 1361 1361 का दूसरा टारगेट होगा 1354 1354 का और तीसरा टारगेट होगा 1347 1347 का फर्स्ट टारगेट के पास भी पहुंचता है, तो जरूर अपना तो तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों बैंकिंग सेक्टर का एक्सिस बैंक सेलेक्शन रीजन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, है सेलेक्शन रीजन तो चलिए एक्सिस बैंक को ले आया सॉरी ये आ गया एक्सिस बैंक का यहाँ पर सेलेक्शन रीजन ये भी पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बहुत ही फेवरेट पैटर्न है राउंडिंग बॉटम पैटर्न रेजिस्टेंस एरिया रेजिस्टेंस एरिया रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से डाउन फॉल किया और ऊपर इसी जगह पर आकर रिटेस्ट किया तो यहाँ से क्या बना लिया राउंडिंग बॉटम अब अगर राउंडिंग बॉटम के ऊपर निकला तो बाई साइड रिजेक्शन लेके नीचे आया तो सेल साइड तो मान लेते हैं कि ये ऊपर निकलता है को तो बनता है वन जो होगा वो वन वन सेवन का और जो हो जाएगा इस में वन पहला होगा और वन जीरो सिक्स और तीसरा रुपए का अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे सपोर्ट तोड़ने के बाद और लॉस होगा ग्यारह सो अस्सी वन डबल वन एट जीरो का और जो टारगेट होगा पहला वो डबल वन सिक्स वन फाइव नाइन और तीसरा टारगेट होगा डबल वन फाइव टू का बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिएगा और अपने टेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करिएगा तो ये तीनों ही स्टॉक सिलेक्शन रीजन बाइंग और सेलिंग कंडीशन मैंने आपको बता दिया है पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें कमेंट करें और ट्रेडिंग मोबाइल ऐप एप ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल और ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल पे आपका स्वागत है फ्री ऑफ पर्स में लाइव तो मार्केट में कॉल प्राप्त करने मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद